हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनेश किचन। आज हम बना रहे हैं ये स्वादिष्ट और क्रिस्पी वेज मंचूरियन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मंचूरियन बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने बंद गोभी और कुछ सब्जियाँ ली हैं। चलिए तो सबसे पहले हम गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, गोभी को पीसने के लिए हम मिक्सर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से गोभी का पेस्ट बन जाएगा और हमारे मंचूरियन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने गोभी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें कुछ मसाले मिला लेंगे। आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच अरारोट डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि हमारे बॉल बन सकें। मैदा और अरारोट का यूज हम यहाँ वाइडिंग के लिए कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मकई के आटे और चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ गोभी के साथ सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लिया है और अब इसके बॉल बना लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने सभी बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बॉल बनाने के बाद उन्हें रखना नहीं है। ऐसा करने से गोभी से पानी रिलीज होगा और हमारे मंचूरियन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मंचूरियन को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब गोभी के बनाए हुए बॉल्स को एक एक करके तेल में डालेंगे और उन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने की पूरी प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। ऐसा करने से हमारे मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। देखिए, यहाँ बॉल्स एक तरफ से थोड़े सिक गए हैं और वो तैरकर तेल पे ऊपर आ गए हैं, तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। इसी तरह बॉल को अच्छी तरह अलट पलट कर सेक लेंगे और जब तक हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन या फिर लाल ना हो जाएँ और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ना बन जाएं। बॉल को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बॉल का कलर कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ मैंने प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। मंचूरियन के लिए सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब कटी हुई सब्जियां डालकर चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। अब 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली सॉस, 3 से 4 चम्मच टमाटो केचप और थोड़ा सा सोया सॉस डालकर मिलाएंगे। अब 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च में 1 पिंच रेड कलर और पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। कलर डालना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर दें। तैयार घोल को सॉस में डालेंगे और चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद ही हमारे सॉस का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये थिक हो चुका है। अब तैयार किए हुए बॉल्स को सॉस में डालकर पकाएंगे। यहाँ मंचूरियन को सॉस के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बॉल के ऊपर सॉस अच्छी तरह से कोट हो गया है और हमारे मंचूरियन बनके तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। आप इन मंचूरियन को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।
चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और मंचूरियन सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।